Good morning, student. Welcome to the Hindi class. Today we will start our new chapter. और इस chapter का नाम है चिड़िया की बच्ची. और पहले class में हमने already हमारा जो previous chapter था, उसको हमने already discuss किया था. और उस chapter का नाम था साम एक किसान. साम एक किसान जो poem है, उस poem में कवि ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कवि थे, उन्होंने उस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया, अर्थात प्रकृति को, नेचर को मनुष्य के रूप में दर्शाना. उन्होंने एक किसान की तुलना पहाड़ से की और उसके सिर पर जो पगड़ी उसने बांध रखी थी उसकी तुलना जो है कि कवि आकाश से करते हैं, और उसके घुटनों से जो नदी बह रही थी उसकी जो तुलना उन्होंने चादर के साथ उस कविता में किया. तो प्रकृति का मानवीकरण हमें उस कविता में देखने को मिला. आज हमारा नया चैप्टर चिड़िया की बच्ची हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को हम जो लर्निंग आउटकम है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं, हम क्या समझेंगे इस चैप्टर से. पहला है पक्षियों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना. पक्षियों के प्रति हमारे मन में एक प्रेम भावना उत्पन्न होगी. चिड़िया की जो बच्ची है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में पक्षियों के प्रति प्रेम, संवेदना की भावना उत्पन्न होगी. उन्हें भी अपने घर पहुंचने की जल्दी होती है, वो भी अपने माँ से मिलना चाहती है, तो पक्षियों के प्रति एक प्रेम भावना. स्वाधीनता के महत्व को समझ सकेंगे. फ्रीडम, स्वाधीनता हर किसी को चाहिए, और इस चीज को हम इस पाठ में समझ सकेंगे. शब्द भंडार में विकास, अर्थात नए शब्दों के अर्थ हम इस चैप्टर में समझेंगे. तो आज हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आपको अपने कॉपी पर लिखना है. ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आपको अपने कॉपी पर लिखना है जो पाठ पढ़ते समय हमें आवश्यक होंगे. सुहावना का अर्थ होता है सुंदर. व्यसन, बुरी आदत, ठीक है. इस चैप्टर में हम जिस सेठ के बारे में पढ़ेंगे उसके संदर्भ में कहा गया है. उसके बाद बहुत सारे धन संपत्ति है, बहुत अमीर है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परंतु उसे बुरी आदत नहीं है. इस चीज को हम चैप्टर में पढ़ेंगे. मसनद, बड़ा तकिया या फिर बड़ा गद्दा जिसे अमीर लोग बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये जो सेठ है वह भी अपने चबूतरे पर बैठकर उस बड़े तकिए मसनद की सहायता से प्रकृति को निहारता रहता था, प्रकृति को देखता रहता. स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना. ढांढस, ढांढस बढ़ाना, धैर्य, हौसला बढ़ाना कहते हैं, तो यही है ढांढस. हम जान लेते हैं लेखक के बारे में. लेखक है जैनेन्द्र कुमार, हिंदी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं. इनके बहुत सारे उपन्यास नॉवल भी हैं जो हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार. तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार और एक प्रसिद्ध लेखक थे. उन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया. उन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी काम किया था. प्रेमचंद के निकटतम रहते हुए भी उनकी कहानियां प्रेमचंद से अलग. 1936 में उन्होंने हंस पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया
तथा आगे चलकर लोक जीवन पत्र की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार जो है जैनेन्द्र हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते। आगे देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इस चैप्टर में लेखक ने चिड़िया की बच्ची के माध्यम से हमारे समाज में जो हमारी मानसिकता है कि धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ है उसको तोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन में सब कुछ नहीं है। ठीक है, जीवन में परिवार की आवश्यकता होती है, स्वाधीनता की आवश्यकता होती है, अपने माता पिता की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आवश्यक है। केवल धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। वो अमीर शेर बहुत अमीर है परंतु उससे बातें करने वाला कोई नहीं। तो इस चैप्टर को शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या है। इस कहानी को जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। लेखक ने इस कहानी में एक चिड़िया की आजाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश जिंदगी से की है। ठीक है, एक चिड़िया की आजाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की विवश जिंदगी से की। सेठ माधवदास के पास हर भौतिक सुख सुविधाएं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधा के नाम पर उसकी माँ का घोंसला है, जहाँ सुनहरी धूप आती और खाने को कुछ दाने मिल जाते हैं। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं। वह तो इतनी निश्चल है कि उसे सेठ शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वचन देता है और उसे सोने चांदी से तोलने की बात भी करता है। जब इन सब से बात नहीं बनती है तो सेठ अपने नौकर को आदेश देता है कि चिड़िया को बंदी बना, लेकिन चिड़िया वहां से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के परों की गर्माहट में सुकून की तलाश करती है। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे जो समाज में जो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लोगों का आकर्षण है उसको तोड़ने का प्रयास किया। सेठ के पास सभी सुख सुविधाएं, धन दौलत है, उसका आलीशान भवन है, परंतु वह अकेला है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए वह उस चिड़िया की बच्ची को अनेक प्रलोभन देता है। वह उसे सोने चांदी की पिंजड़े बनाने की बात करता है। वो कहता है कि हे भोली चिड़िया, तुम मुझसे बातें करो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, परंतु वह चिड़िया की बच्ची वहां रहने से मना कर। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक चिड़िया की बच्ची और एक धनी सेठ के जीवन की तुलना। अमीर सेठ के पास सभी सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, परंतु आंतरिक सुख उसके पास नहीं है। चिड़िया जो आजाद है, एक डाल से दूसरे डाल पर घूमती है, भले ही उसके पास दूसरे कुछ सुख सुविधाएं या साधन ना हो, लेकिन वो अपने माँ के घोंसले में बहुत खुश है। तो इस प्रकार ये है शॉर्ट में चिड़िया की बच्ची पाठ का हम शॉर्ट मेन जो हम लोग कह सकते हैं मूल भाव इस पाठ का। और अगले क्लास में आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को पढ़कर आना। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को क्लास में रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा क्लास इतना ही था। अगले क्लास में हम
फिर मिलेंगे।